नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं के दरहवा और मैं हूँ किरण कौर फहद। लेकर आई हूँ टेलीविजन एफएम वाली ये सीरीज। आई एम सॉरी अगर मैं कल के वीडियो में हार्श थी। मैंने आपको बोला कि आप डॉक्टर के पास कंसल्ट कीजिए, मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, लेकिन मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को एक सही गाइडलाइन देना है ताकि आप अपना ट्रीटमेंट समय रहते करा सकें और आपको बाद में पछतावा ना हो कि काश मैं डॉक्टर को राइट टाइम पर दिखा लेती। इसीलिए कल की मैंने वीडियो बनाई थी और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के सवाल जवाब लेकर आई हूं। लेकिन ये जो सारे सवाल जवाब है ये उससे पुराने वाली वीडियो के हैं और जहां तक ये वीडियो लंबा होगा तो मैं इसे दो पार्ट्स में बनाऊंगी। वैसे पूरी कोशिश है कि एक में खत्म किया जाए, लेकिन अगर वीडियो लंबा हो गया तो आपको दूसरा वीडियो भी पार्ट टू इसका देखना पड़ेगा। जिन जिन लोगों के सवाल मैं ले रही हूं उनमें मैं शुरुआत कर देती हूं, वन टू वन जल्दी जल्दी करते हैं हम लोग। दीपिका दत्ता का मैसेज आया है, हाय मैम, हाय जी एच कमेंटेड, क्या कमेंट किया इन्होंने, मैम आई स्टार्टेड यूजिंग अनियन प्लस कोकोनट ऑयल एंड स्टार्टेड फेसिंग एबनॉर्मल हेयर फॉल, व्हाट शुड आई डू। अब आपने कोई कोकोनट ऑयल यूज किया है? आई थिंक ये किसी पर्टिकुलर ब्रांड का है। मैंने कभी भी किसी भी ब्रांड का कोई भी कोकोनट ऑयल डियर इस्तेमाल नहीं किया है। और अगर कोई ऐसा एबनॉर्मल हेयर फॉल हो रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उसे बंद कर देना चाहिए तुरंत प्रभाव से, और उसे हो सकता है कहीं पे आप मतलब उसको तिलांजलि दे दीजिए ताकि घर में भी कोई और ना लगाए, क्योंकि पता नहीं उसको प्रिजर्व आपको आपने अब तो जानते हैं कि नारियल तेल जो अगर आप घर पे भी बनाओ तो भी उसे आप बहुत ज्यादा दिन तक नहीं रख सकते, और गलती से अगर वो बाहर छूट गया इन द सेंस कि अगर आप फ्रिज में उसको नहीं रख पाए वो टोटली कुछ घंटों में सड़ जाएगा। इसीलिए प्लीज आप उसको पता नहीं उसमें कौन से केमिकल्स यूज किए हों, उसके शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए क्या इस्तेमाल किया गया हो, नहीं किया गया हो, या फिर कौन सा केमिकल है जो आपकी बॉडी को सूट नहीं किया हो जिसकी वजह से ये हेयर फॉल हो रहा है, तो प्लीज सबसे पहले उस हेयर उसको बंद कर दीजिए, उस अनियन हेयर ऑयल को लगाना, और जो भी तेल आप उससे पहले इस्तेमाल कर रहे थे और जो आपको सूट कर रहा था उसी को आपको कंटिन्यू करना है। नेक्स्ट है हमारे पास कमेंट रीमा बनर्जी का। रीमा लिखती हैं, आई एम सफरिंग फ्रॉम सेम प्रॉब्लम इन सेम सिचुएशन। इन्होंने मेरी फर्स्ट वीडियो पे जो टेलीविजन एफएम मेरी कंडीशन थी उस पर कॉमेंट किया हुआ है। सिचुएशन लाइक यू बट आई एम नॉट suffering from any kind of disease. I have tried every DIY in home, no use, still suffering from same problem now. देखिए मैंने आपको कल भी बोला था, कई बार ऐसा होता है आपको खुद नहीं पता होता है कि आपके साथ हो क्या रहा है। आप एक बार अगर आपको लगता है कि आपके बहुत एक्सेस हेयर फॉल हो रहा है, आपकी कंडीशन ऐसी हो चुकी है कि कंघी करो तो गुच्छा, तेल लगाओ तो गुच्छा, और सिर्फ ऐसा नहीं होता कि एक बार कंघी कर ली, एवरी टाइम मतलब कंघी करना हेल हो जाता है। लाइक अभी जैसे मैं आपको दिखाऊं, अगर मैं कंघी करूं यहाँ पे तो मैं ऐसे कंघी कर ले रही हूँ ना, ऐसे कंघी नहीं कर सकते आप टी में तो वही उसके साथ साथ गुच्छे ही गुच्छे चलते हैं। तो अगर ऐसी कंडीशन है, एक बार जो भी नजदीकी डॉक्टर है, चाहे वो फिजिशियन है, चाहे आपको लगता है कि आपको गायने से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, चाहे आपको लगता है कि आपको किसी फिजिशियन को दिखाना चाहिए या डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए, उनसे कंसल्ट कीजिए, उनसे सलाह लीजिए। वो आपको जो भी भाई आप जिससे मुझसे पूछ रहे हो, लेकिन आप ये सोचो कि आज कोई भी डॉक्टर एक टेस्ट किए बिना आपको ट्रीटमेंट नहीं शुरू करते हैं। तो आपको छोटी मोटी दवाई दे देते हैं, बोल देंगे टेस्ट करा के आना, तो मैं कैसे आपको बिना जाने पहचाने समझे बिना कैसे कोई चीज बता सकती हूँ, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने मुझे सिर्फ इतनी सी बात लिख दी। और मैं ही नहीं, अगर कोई भी यूट्यूबर आपसे ये कहता है कि वो आपके प्रॉब्लम को ठीक कर सकता है, मैं नहीं मानती हूँ कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि आपकी सिचुएशन को कोई नहीं समझ सकता है जब तक कि आप उसके सामने खुद मौजूद ना हो। गीतू कामली ने लिखा है, इन्होंने भी हमारे टी के फर्स्ट वीडियो पे कॉमेंट किया, मेरे तो हमेशा से झड़ रहे हैं, बिल्कुल पतले हो गए हैं, आपके बाल तो फिर भी ठीक हैं, मेरे तो बाल बिल्कुल नहीं रहे। आई एम सॉरी अगर आपके साथ ये हो रहा है गीतू जी, प्लीज आप अपनी जो स्ट्रेंथ है उसे लूज मत कीजिए, और मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि होप बनाए रखिए। अगर आप डिप्रेशन में जाओगे तो आप अपने बालों के साथ बालों को हार्म पहुंचाओगे, आपको उनको प्यार देने की जरूरत है, आपको उनकी स्पेशल
केयर करने की जरूरत है, क्योंकि इस समय उन्हें सबसे ज्यादा केयर की जरूरत है। प्लीज निराश मत होइए, आपके बाल ठीक हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अंकित सिंह लोधी का। अच्छा इन्होंने, अंकित सिंह लोधी ने ना किसी हर्बल हेयर ऑयल के बारे में कमेंट किया है, मुझे किसी भी इस तरीके के एड से या फिर किसी भी कमेंट से प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं ऐसे किसी भी कमेंट को या फिर किसी भी ऐसे एड को स्पॉन्सर नहीं करती हूँ, ना ही मेरा कोई इनसे कोई लेना देना है। सिर्फ ये कि ठीक है कि कोरोना एक टाइम है, किसी की अगर कोई बिक्री हो जाती है, उनको कोई बेनिफिट मिलता है तो ठीक है, अदरवाइज मेरा कोई इनसे कोई लेना देना नहीं है। वजीहा खान दी, मेरे हेयर फॉल बहुत हो रहा है, 4 साल से 80% हेयर झड़ चुके हैं और स्कैल्प पेन बढ़ता चला जा रहा है। आपको डेफिनेटली डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाने की जरूरत है, 4 साल बहुत लंबा टाइम होता है, ये टीई का टाइम पीरियड भी निकल चुका है। आपको डॉक्टर से कंसल्ट करके राइट जो भी रीजन है उस पर फोकस करके बताई हुई डाइट को, बताया हुआ हेयर केयर रूटीन को फॉलो करना चाहिए और अपनी डाइट में कुछ स्पेशली हेल्दी एलिमेंट्स ऐड करने चाहिए। आप एक्चुअली नहीं पता कि आप बीमार हुए थे, एक्चुअली नहीं पता कि विटामिन डी कमी है, विटामिन B12 कम है, या फिर आपको कॉन्स्टिपेशन रहती है, या आपको कभी डायरिया हुआ था, या आपको कभी टाइफाइड हुआ था, या डेंगू चिकनगुनिया या फिर कोई और मलेरिया जैसी डिजीज हुई थी। इस कंडीशन में आपको एक बार डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए, और अगर आप डिप्रेशन में हैं तो प्लीज तनाव मत लीजिए, एक बार डॉक्टर से जाके मिल लीजिए। अनु पूर्णिमानी त्रिपाठी जी ने लिखा है कि मेरे हेयर स्ट्रैंड्स में ब्लैक बाल भी आते हैं, ब्लैक बल्ब होगा है ना, प्लीज बताएं मैं क्या करूं, ये पूछना चाह रहे हैं। शायद कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, आपको कोई परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हेयर स्ट्रैंड में ब्लैक बाल आए, व्हाइट बाल आए, इट्स अ नॉर्मल प्रोसेस, परेशान होने की जरूरत नहीं है। इन्हीं का नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी फॉलिंग ईयर विद ब्लैक बल्ब हो गया ना, विल ग्रो बैक, डेफिनेटली इट विल ग्रो बैक, डोंट वरी, मस्त रहिए, त्योहार आ रहे हैं, खाइए पिए मस्त रहिए एकदम, अब इंदाज तरीके से चीजों को एंजॉय कीजिए। लाइक इतनी सी है, इतनी कब बुलबुला फट जाए और अब चले जाए, तो परेशान नहीं होना है। हाँ, ऑल इन वन कमेंटेड है कि भाई माय विटामिन डी 12 है और विटामिन B12 402 है। जब विटामिन 12 आपका बहुत रिजर्व है, 402 है, ये क्या बात हुई भाई, और विटामिन डी जो है वो आपका 12 है, तो बहुत कम है। मेरे जब था तो मेरे लास्ट टाइम 10 था, तो भाई 12 भी कम ही है, धूप में बैठो भाई। अभी जैसे विंटर्स नहीं है, मतलब तो ठीक ठीक वाला मौसम है, तो आपको रेगुलर सुबह की गुनगुनी धूप में कम से कम 20 मिनट, 10 से 20 मिनट। एक यूनिवर्सिटी का रिसर्च है जो ये कहती है कि अगर हम लोग 10 से 20 मिनट सुबह गर्मी के दिनों में बैठते हैं और विंटर्स के टाइम में एटलीस्ट 2 घंटा हमें विंटर्स में बैठना चाहिए, क्योंकि विंटर्स के टाइम में हम लोग ग्लव से, हैट से, सॉक्स से अपने पूरी बॉडी को कवर करके रखते हैं, तो ऐसे में जो है वो सनलाइट जो है पूरी बॉडी पर पड़नी पाती है, तो उस कंडीशन में जो है हमें पूरा विटामिन डी नहीं मिल पाता है। जैसे आपकी बॉडी में विटामिन डी टच करता है, यानी कि धूप टच करती है, तो हमारी स्किन विटामिन डी का निर्माण करती है, विटामिन डी को बनाने लग जाती है, और जब विटामिन डी बॉडी में बन जाता है तभी हमारी बॉडी जो है वो कैल्शियम को एब्जॉर्ब कर पाती है। अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी नहीं है तो वो कैल्शियम बकवास हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, उसका कोई यूज नहीं हो पाएगा। बरिंदर सिंह यादव ने पूछा है कैन वी यूज मिक्सचर ऑफ कोकोनट ऑयल, कैस्टर ऑयल, आलमंड ऑयल विद करी लीफ? हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर बहुत ज्यादा जो कैस्टर ऑयल है वो मिक्स नहीं करना है, क्योंकि उसकी कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा गाढ़ी होती है, आपके बाल टूट सकते हैं अगर आप ज्यादा मिक्स कर दोगे तो। मतलब अगर आप ऐसे 3 चम्मच आलमंड ऑयल, 3 चम्मच आपने कोकोनट ऑयल लिए, तो आपको आधा चम्मच उसमें कैस्टर ऑयल मिलाना है। श्वेता महेश्वरी दी, मुझे आपसे कुछ पूछना है, प्लीज रिप्लाई दीजिए। कहाँ पूछना है, आपने तो पूछा ही नहीं। जीविता मुथुस्वामी, प्लीज गिव सबटाइटल इन इंग्लिश। आई एम सॉरी जीविता, माई इंग्लिश इज नॉट सो गुड, सो आई एम नॉट एबल टू स्पीक प्रॉपरली इन इंग्लिश। माई हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरी वन, इफ एनी बडी
हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट कर सकें जीविता के लिए, तो प्लीज जो भी मैं अपनी वीडियो में बोलती हूँ उसकी चाहे एक एक दो दो तीन तीन पॉइंटर्स बना के उनको दे दें तो इट विल बी गुड फॉर एवरी वन हु कांट अंडरस्टैंड हिंदी प्रॉपरली. सो इट विल बी वेरी गुड फॉर मी ऑल्सो बिकॉज माई एम और माई इनिशिएटिव तब तक अधूरा रह जाएगा जब तक कि हम हर लैंग्वेज वाले को उसकी इस प्रॉब्लम से नहीं बचा पाते हैं. समारा रहमान लिखती है, मैम रिबॉन्डिंग की वजह से मेरे बाल डैमेज हो गए, प्लीज हेल्प मी, व्हाट शुड आई डू फॉर माई हेयर, प्लीज हेल्प मी. फर्स्ट वीडियो पे कॉमेंट है इनका. समारा, एक तो पहली बात ये है कि आप जो भी अभी आपने रिबॉन्डिंग कराई है अब उसके बाद आप रिबॉन्डिंग को हाथ जोड़ दीजिए और आज के बाद कभी रिबॉन्डिंग मत कराइएगा. रिबॉन्डिंग एक केमिकल प्रोसेस है अपने बालों को सीधा करने का, स्मूथ बनाने का. लेकिन जिसके बाल नेचुरली जो प्राकृतिक रूप से हमें गॉड ने दिए हैं उससे जब हम छेड़छाड़ करेंगे तो जाहिर सी बात है कि उसको वो प्रकृति जो है उसको एक्सेप्ट नहीं करती है. भाई आपने जब सपोज मैंने कर्ली बालों को स्ट्रेट करा लिया और है तो मेरे एक्चुअली बाल कर्ली ना, तो जब वो नॉर्मली आने लगेंगे तो अपने आप ही वो कर्ली आएंगे. कितनी बार आप रिबॉन्डिंग कराएंगे, साल भर की करा लोगे, दो साल की करा लोगे, या आप कराते रहोगे कब तक, बुढ़े होने तक कराते रहोगे, नहीं करा सकते ना. बालों को जैसे वो है ना वैसे एक्सेप्ट कर लीजिए और अभी रिबॉन्डिंग बंद कर दीजिए और अपने बालों को अच्छे से केयर कीजिए उसकी. और अभी जब तक आपको लगता है कि रिबॉन्डिंग खत्म नहीं हो रही है तब तक वो ही शैम्पू इस्तेमाल करना जो कि उन्होंने रेकमेंड किया आपको, लाइक जिस जिन भी पार्लर से जब भी हेयर स्टाइलर से आपने करवाया उन्होंने जो भी आपको कहा ना कि ये रिबॉन्डिंग के शैम्पू लगाने, वही शैम्पू आपको लगाने होंगे. आई नो कि वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं बट अभी जब तक आपकी रिबॉन्डिंग है बालों की केयर उसी से कीजिए. जब रिबॉन्डिंग एकदम आपको लगे कि आपके पुराने वाले बाल वापस आ गए तब चेंज करना है आपको शैम्पू. जीविता ने फिर बोला है, बहुत सारे वीडियोस में उन्होंने कमेंट किया, हाय प्लीज सबटाइटल इन इंग्लिश प्लीज. मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से, जिन लोगों को भी जो भी ये नेक काम कर सकते हैं वो दो तीन कमेंट बना के, दो तीन कमेंट या दो तीन पॉइंटर्स बना के कमेंट कर दो नीचे ताकि जो भी लोग देख रहे हैं उनको पता चले कि हम लोग क्या बातचीत कर रहे हैं. शुभी कमेंट करते हैं, आई हैव आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, हेयर फॉल हैज स्टॉप्ड, कैन इट बी क्योर. हेयर फॉल तो बंद हो गया तो फिर क्या दिक्कत है. अच्छा आयरन डेफिशिएंसी है, आयरन डेफिशिएंसी में आप अंजीर खा लो आप एकदम डेफिनेटली ठीक हो जाओगे. एक महीना लग के अंजीर खानी है आपको, एक महीना. एक महीना अगर आपसे कच्ची नहीं खाई जाए, कच्ची मतलब की जैसी होती है वैसे नहीं खाई जाती, आप दूध में उसको उबाल लो एंड देन उसको खा लो, डेफिनेटली आपकी एनीमिया की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी. अनार खा लीजिए, अनार का जूस पी लीजिए, वैसे मैं खाने पे जोर दूंगी. उसके अलावा आप चुकंदर सलाद के तौर पे खा लीजिए या फिर आप उसको सलाद में नहीं खाना चाहते हो तो भाई आप उसको एक सेकेंड. अरे रे रे मेरा क्या हो गया. तो अगर आप उसको सलाद में नहीं खाना चाहते तो आप उसका जूस बना के भी ले सकते हो, है ना. ये बड़े पंगे रहते हैं. हाँ नेक्स्ट है सुमन भारद्वाज जी का, हेलो दीदी मुझे हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ था जिसकी वजह से मुझे 3 मंथ्स पीरियड नहीं हुए, फिर मेरा बहुत हेयरफॉल हुआ. मैंने 2 बार डॉक्टर को भी दिखाया लिया, डॉक्टर फॉलियर जिंक आयरन दी है इनको, है ना. तो आपको हार्मोनल इम्बेलेंस हुआ इसका मतलब आपको शायद पीसीओएस की प्रॉब्लम हुई होगी आई थिंक. हाँ मैं एक अनुमान लगा रही हूँ, है ना. तो जो आपको डॉक्टर ने सजेस्ट किया वो ही सही चीज है, आप उनको फॉलो कीजिए. और कोई भी दवा से 1 महीने में फर्क नहीं पता चलता, कम से कम उनकी ट्रीटमेंट को 3 से 4 महीने चलने दीजिए. हरजिंदर का कमेंट है, हेलो मैम आई एम रमन कौर, मैम मेरे हेयर बहुत लॉस हो रहा है और हेयर के एंड पर व्हाइट बल्ब होता है, मैम क्या ये रूट से निकल रहा है, परमानेंट हेयर लॉस हो रहा है मैम, प्लीज रिप्लाई जरूर करना. क्या नहीं, ये परमानेंट हेयर फॉल नहीं है, ये एक डेड स्किन होती है जो आपके बालों के साथ निकल रही होती है. लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं होती है, मस्त रहो बिंदास रहो, कोई टेंशन की बात नहीं है.
भारतीय खुबानी, मेरे बाल भी बहुत घने और अच्छे थे. आई कैन अंडरस्टैंड, बहुत प्रॉब्लम है, परेशान नहीं होना है, ठीक हो जाएगी प्रॉब्लम. हरजिंदर ने पूछा है मैम वन क्वेश्चन, क्या टीवी में हेयर लॉस 1 ईयर तक भी हो सकता है? हाँ डेफिनेटली, 2 साल भी लगते हैं बहुत लोगों को. अब लोग ले लोगे कि किसी किसी के सवालों के तो जवाब ऐसे हवा में उड़ा देती है, ऐसा नहीं है. जिनको मुझे लगता है कि मैंने इनको ऊपर जवाब दे दिया है या फिर इनके सवालों में बस मतलब ये बिल्कुल ऐवी घबरा रहे हैं, उनको मैं बहुत ज्यादा ऐसा वो नहीं करती हूँ. खाम का डरे पड़े हो, क्या परेशान होना है इतना. देवलीना दास ने पूछा है हाउ टू नो दैट यू हैव टी. आई डोंट लूज मोर देन 100 हेयर स्ट्रैंड्स पर डे, बट आई लूज हेयर विद द वाइट बल्ब एट द एंड. डज इट मीन्स आई हैव टी? नो, इट डजंट मीन यू हैव टी. टी तब होता है जब आपको कोई बीमारी होती है. बीमारी भी ऐसी इन द सेंस की डेंगू, टी, टाइफॉइड, मलेरिया, चिकनगुनिया, आयरन की डेफिशिएंसी, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, या फिर आपको कोई ट्रॉमा होता है, लाइक आपके घर में किसी की डेथ हो जाती है, या कोई आपका सडन एक्सीडेंट हो जाता है, या फिर आपको कोई ऑपरेशन हुआ होता है, उस कंडीशन में आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है, तो हमारे बाल ह्यूज अमाउंट में गिरने शुरू हो जाते हैं. जिनके 100 से बाल कम गिरते हैं वो अपनी सिचुएशन को टीई मत मानिए. टीई बहुत वियर्ड कंडीशन है, आप अंदाजा नहीं लगा सकते. आप अपने हेयर फॉल को टीई से कंपैरिजन कर रहे हैं, बट जिनको हेयर फॉल हुआ है उनके लिए ये एक बहुत बुरा सदमा, बहुत बुरा ख्वाब होता है जिससे हर कोई जल्द से जल्द निकलना चाहता है. तो प्लीज अपनी कंडीशन को टीई से कंपेयर मत कीजिए, अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए. जिनको व्हाइट बल्ब निकल रहा है वो भी परेशान मत होइए, दिस इज एक्चुअली अ नॉर्मल प्रोसेस. आपके व्हाइट जो व्हाइट बल्ब वाला बाल है उसकी लाइफ खत्म हो चुकी है, अब उसकी जगह पे नया बाल आएगा. उसने अपना स्पेस बनाने के लिए उस बल्ब को निकाल दिया है, इसलिए वो व्हाइट बल्ब आ रहा है. फिर विभा ने पूछा है, विभा द्विवेदी ने, मैम थायराइड एंड हाइपोथायराइडिज्म के लोग ले सकते हैं क्या? इन्होंने हेलम सीड के बारे में पूछा है. हेलम सीड में ले सकते हैं आप, हाइपोथायराइड में भी. और अगर आपको इसके बारे में ज्यादा डिटेल जाननी है तो आप रुजुता दिवाकर जी का जो इंस्टाग्राम है उस पर जाके आप सर्च कर सकते हो. उन्होंने इसके ऊपर बहुत डिटेल वीडियो बनाई है. उनका यूट्यूब अकाउंट भी रुजुता दिवाकर के नाम से, आप उनको सर्च कर सकते हो, वहां पे आपको अच्छी खासी डिटेल मिल जाएगी. और रुजुता दिवाकर जी मतलब मैं उनको कोई स्पॉन्सरशिप मुझे उनकी नहीं मिली है, मैं टाइम टू टाइम सर्च करके चीजें आपके लिए लेकर आती हूँ, बस इसीलिए मैंने आपके लिए वो वीडियो जारी किया है. धरती खुद आई थिंक नाम गलत लू तो सॉरी. मैम मेरा विदाउट कॉज बहुत ही हेयर फॉल हो रहा है, क्या ये रेमेडी लगा सकते हैं? इन्होंने दूध लगाने के बारे में पूछा था. यस आप लगा सकते हो, आराम से लगा सकते हो, बिंदास तरीके से लगा सकते हो. 18 मिनट का वीडियो हो गया, इस वीडियो को मुझे यहीं पे समाप्त करना होगा. समाप्त करने की वजह ये है कि क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है तो बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि आप इतना लंबा लंबा वीडियो क्यों बनाती हो. लंबा लंबा वीडियो बनाना मेरे लिए बहुत कभी कभी टफ हो जाता है क्योंकि मुझे एडिटिंग करने में लंबा टाइम लगता है. हालांकि इस वीडियो में बिल्कुल भी लंबा लंबा टाइम नहीं लगाने वाली हूँ, पर नहीं मुझे एडिटिंग करने की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी. और आप देख सकते हैं मैंने बहुत तेजी के साथ इस वीडियो को समाप्त कर दिया है. मेरा सिर्फ आपसे यही कहना है कि आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है. जो लोग बहुत परेशान होते हैं उनसे मेरा निवेदन है कि बिल्कुल परेशान नहीं होंगे और घबराएंगे नहीं. एक नॉर्मल प्रोसेस है. टी को ठीक होने में 6 महीने से लेकर 2 साल तक का समय लग सकता है, लेकिन इसमें घबराने की कोई बात नहीं है. बिंदास रहिए, मस्त रहिए. और ये तो मेरा आज तक का वीडियो, आज का वीडियो. आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. जल्दी से मुझे ये वीडियो खत्म करना है, 19 मिनट हो, इससे पहले मैं इस वीडियो को एंड करने जा रही हूँ.